जय माता दी। माय चैनल व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को पुनः कोरोना वायरस कंप्लीट लॉकडाउन के बाद उसके एक साल के बाद आज मैं श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा हूं और आप लोगों को भी श्री माता जी का दर्शन कराऊंगा। अभी मैं कटरा बेस कैंप से एंट्री गेट से अंदर की ओर रास्ते में जा रहा हूं। आपको दिखाई दे रहा है कि सारे श्रद्धालु लोग जो श्री माता वैष्णो रानी के दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ लोग जो है दर्शन करने के लिए मेरे आगे और पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं माता के चरण स्पर्श करने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए। जय माता दी। मैं आपको बता दूं, ये कटरा का बेस कैंप फर्स्ट एंट्री क्रश करने के बाद का रास्ता है और इसी रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ घोड़े और पिट्ठू वाले लोग खड़े हैं। वो श्रद्धालु जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग, वो लोग इन घोड़ों के द्वारा हॉर्स राइडिंग से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के होली के वहाँ तक पहुँच सकते हैं माता का दर्शन करने के लिए। ये श्री माता वैष्णो देवी का चरण पादुका है जहाँ पे माना जाता है माता वैष्णो देवी जब ये बाणगंगा क्रॉस करके पीछे, जैसा कि बाबा भैरवनाथ का पीछा कर रहा था, तो जब यहाँ पहुँची तो उन्होंने मोड़ के देखा कि भैरव कहाँ तक पहुँचा है। तो माना जाता है यहीं पे माता जी के प्रथम चरण पड़े थे, इसीलिए इसको चरण पादुका कहा जाता है। जय माता, जय माता दी। चरण पादुका क्रॉस करने के बाद ये पौड़ी का रास्ता है। वो श्रद्धालु जो शॉर्टकट और जल्दी भवन तक जाना चाहते हैं, जिनको चलने में कोई दिक्कत नहीं, वो इन स्टेप्स के द्वारा, इन पौड़ियों के द्वारा अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं।
जब आप इन पौड़ियों के द्वारा यात्रा करेंगे तो जो घोड़े वाला रास्ता है उस रास्ते से लगभग आधा से एक किलोमीटर का शॉर्ट हो जाता है। जय माता दी। दोस्तों सुबह सुबह का समय है और ये कटरा धाम का सुंदर और मनोहर दृश्य। जैसा कि आज मैं श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि 2020 पूरा कोविड के चलते यातायात कम्प्लीटली ठप था, लोगों का आना जाना पूरा बंद था और आज पुनः अब जब कभी भी श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आएंगे तो जैसे ही आप कटरा धाम में पहुंचेंगे आपको एक स्वर्ग में पहुंचने का जैसा एक अनुभव होगा, जबकि देश से ही नहीं पूरा विश्व से इन माता का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और इसी के तहत आज भी लोगों का काफ़ी भीड़ है। मैं कटरा से चरण पादुका से कुछ ही दूर पौड़ी के रास्ते से प्रॉपर से मैं आपको ये कटरा धाम का मनोरम और काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। और यह रास्ता जो कि श्री माता वैष्णो देवी के धाम तक पहुंचाता है और सुबह सुबह का नज़ारा, आज थोड़ा मौसम क्लाउडी है और दिल्ली और पंजाब की तरफ से उस प्रदूषण का असर इधर भी देखता होगा, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो नेचर है आपको थोड़ा धूमिल दिखता हुआ। जय माता जी। दोस्तों ये पूरे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन होली केव जाने का रास्ता, पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं का ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत करते हुए पूरे रास्ते में आपको ऐसा सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। जय माता जी। रास्ते में चलते हुए आपको ये आभास होगा कि साक्षात माता श्री वैष्णो रानी के दर्शन आपको गुफा में नहीं बल्कि रास्ते में भी दर्शन हो गया, ऐसा अनुभव आपको होगा।
माता जी का ये ऐसा दर्शन है जहाँ पे इनका चरण स्पर्श करके आपको सारे पाप धुल जाएंगे और आपको स्वर्गद्वार जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। पूरे रास्ते में आपको दो तरह के रास्ते मिलेंगे, एक है वो श्रद्धालु जो ज़्यादा चढ़ाई चढ़ नहीं पाते हैं और चलने में दिक्कत है, वो घोड़ों के द्वारा सवारी करके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और ये दूसरा स्टेप्स पौड़ी का रास्ता उन श्रद्धालुओं के लिए जो चलने में सक्षम है और उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और इन पौड़ी के रास्तों के द्वारा 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता छोटा हो जाता है। हालांकि इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते आपको बहुत थकान महसूस होगा। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों अभी मैं हूँ पादुक कुमारी और यहाँ से आपको कटरा धाम का मैं सुंदर मनोहर नज़ारा आपको दिखाई देता हुआ, और पूरे रास्ते में जो है साइन बोर्ड ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि आपको कोई प्राकृतिक आपदा या आंधी तूफान या बारिश होने पर भी पूरा रास्ता जो है पीआई शीट से फुल्ली कवर्ड है और सुरक्षित माता वैष्णो धाम पहुंचा जा सकता है। और इतना सुंदर नज़ारा आसपास को आप देखें तो मैं आसपास की पहाड़ी दिखा रहा हूँ, तो उनको देखते हुए साक्षात शायद इससे ऊपर तो स्वर्ग नहीं हो सकता, शायद यही स्वर्ग होगा। और आपको जैसे ही दर्शन करने के लिए माता का दर्शन करने के लिए आएंगे आपको ये आभास होगा कि आप साक्षात माता के दर्शन जो है कैब में नहीं है कि रास्ते में भी आपने कर लिया। और ये अर्धकुमारी और आपको श्रद्धालु लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग माता जी के दर्शन करके लौट रहे हैं और कुछ लोग माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अर्धकुमारी विशाल अर्धकुमारी मंदिर और ये अर्धकुमारी की यहीं पर ही गर्भजून है जहाँ पे माता श्री वैष्णो देवी 9 महीने तक गर्भजून में तपस्या करते हुए रही बैठी थी। और उसके आसपास का नज़ारा। जय माता जी।